के ऊपर थोड़ा सा प्याज लगा दो, फैला दो। एक ले रही वेजिटेबल्स के ऊपर, ऊपर अलग राइस, लास्ट डिश। चलो लास्ट लेयरिंग ऑफ राइस डाल देते हैं हम इसमें, और पूरा बड़ी डिस्काउंट पिस्ता डाल देंगे। मीठा प्याज है, ठीक है, फैला दो। इसमें हम डालेंगे 200 ग्राम केसर, दूध के हम मिलाया था, हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है सैटरडे और अभी तक सब सोए हुए हैं, और मुझे लगा कि आज मुझे बैडमिंटन जाना, तो इसको भी शूट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आया हूँ बाहर पानी पीने के लिए। अंदर वैसे भी बात नहीं हो पा रही, और शोर बहुत है, और दो मैच के बाद ये देखो क्या हाल है, पूरे पसीने से भीग चुका हूँ मैं। और आज मेरे पीछे देखिए सीन इतना बढ़िया है, एंगल रोटेट करके दिखाता हूँ। पांच मैच के बाद अपनी हालत होगी पूरी, अब अपन खेलेंगे नहीं, अपने दूसरा रेस्ट ले लिया, अब हम चलेंगे घर, थोड़ा पानी पी ले, रेस्ट कर ले। अरे आशीष भाई आओ यार, सर में घुसाओ, तुम्हें फेमस कर देंगे अपन। आशीष भाई कैसा लगा? आशीष भाई मजा आ गया, बहुत ही बेहतरीन था। एक्चुअली बाहर जो टिप टिप बारिश हो रही थी उसकी वजह से हमारा क्ले कोर्ट पे खराब हो गया, उसके बाद वी डिसाइडेड टू गो फॉर दी वुडन कोर्ट, एंड वुडन कोर्ट के लिए वी हैव टू कम ऑल द वे फ्रॉम गुलमोहर रेजिडेंसी टू कनामनी। इट वाज अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड इट वाज अ वेरी नाइस ड्राइव, वी ऑल एंजॉयड टुगेदर। और उसके बाद जैसे ही हम लोग आए तो उसके मौसम के हिसाब से अपनी अडैप्टेबिलिटी बढ़ाई, और उसके बाद जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन किया, वार्म अप किया। या दोस्तों, आज का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, सुबह से ही बारिश हो रही है, जब हम बैडमिंटन खेल के आए हैं तब से बारिश हो ही रही है। इस मौसम में हमने डिसाइड किया है कि आज हम बनाएंगे वेज बिरयानी, तो हम वेज बिरयानी बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसे। पुदीना, गाजर, मिर्च, प्याज, टमाटर,
बीन्स और पनीर, मटर भी ले लिया, मतलब हमने सारी सब्जियां ले ली हैं, बस पुदीना ही इसमें से इम्पोर्टेंट है। और हमने टेस्ट के लिए दूध में थोड़ा केसर मिला के रख दिया है, और वी हैव कर्ड ऑल्सो, ये हम बनाएंगे। अब मैं पुदीना काटना स्टार्ट करता हूँ। तो हमारी सारी वेजिटेबल्स चॉप हो चुकी हैं, अब इसे दिखाते हैं क्या क्या मसाले डालने हैं। इलायची है, लौंग है, तेज पत्ता है, अदरक, और हमने राइस यहाँ पे भिगा के रखा था 10 से 15 मिनट के लिए। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसको जल्दी से मैरिनेट करते हैं सारी सब्जी को। तो सोया चंक्स सबसे पहले डाल दो, आलू डाल देते हैं, गाजर डाल देते हैं मिर्च के साथ, और बीन्स सब्जियां हो गई हैं ज्यादा, हम कर रखते हैं ज्यादा। अब इसमें डालते हैं हल्दी पाउडर, मिर्च, हरी चिली, कसूरी मेथी, कसूरी मेथी करके हमको 10-15-20 मिनट के लिए छोड़ना है। तब तक अपना राइस गरम करके राइस प्रिपेयर कर लेंगे। खुशबू आई पुदीने की, सुरमे की, चलिए राइस बनाते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा नमक, लेमन, इसमें ऑयल भी डालेंगे थोड़ा, बस। अब इसको उबलने देंगे हाई फ्लेम पे, जब उबल जाएगा अच्छे से, तब इसमें डालेंगे राइस। अच्छा, तो अभी अच्छे से उबल गया है, अब इसमें डालना है राइस, इसको 80% तक पकाना है। अब हम करते हैं प्याज फ्राई, राइस उबल चुका है, चावल पकाने लगे हैं, मैरिनेट करके हमने सारी सब्जियां रखी थी। अच्छे से मिक्स करेंगे और एक गमले को पकाएंगे, सब्जी को ज्यादा कुकिंग करना होगा। Thank you.
स्लाइस की लास्ट लेयर में उसको उसको बचा हुआ पूरा इस तरह का अब इसमें जो हमारा पानी में रखा था उसको डाला था कि राइस नीचे चले ना बस। अब इसको हम 2 या 3 मिनट तक गर्म करेंगे उसके बाद इसको तवे में दम लगाएंगे 20 मिनट तक सही था। तो 2-3 मिनट्स वी कीप इट लाइक दिस देन वी कीप इट ऑन तवा फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट से ज्यादा हो गया खोलना इसको इसको एक प्लेट में करना आ रही है।